इस तस्वीर को बड़े गौर से देखें। इस तस्वीर में आपको जो ये शक्ल नज़र आ रही है, इसका नाम बाल था। ये पिछले ज़मानों में मुनकरीन का खुदा था और जो लोग इसके पास अपनी हाजात लेकर आते थे उनके लिए लाजिम था कि वो अपने पहले बच्चे की कुर्बानी पेश करें। सो बड़े बड़े त्योहारों पर नए पैदा होने वाले बच्चों की कुर्बानियाँ दी जाती थी। इस पर गौर करने के बाद अगर आप गूगल पर जाकर बैलेंशियागा टाइप करें आपको पता चलेगा कि बैलेंशियागा फैशन डिजाइनिंग का ब्रांड है। इसके बाद दोबारा अगर आप गूगल पर जाकर लैटिन टू इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके लैटिन वाली साइड पर बाल इंशियागा लिखें तो इंग्लिश वाली साइड आपको बताएगी कि इसका मतलब बन रहा है बाल इज द किंग, यानी बाल देवता है, हर चीज का किंग है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही तो मजीद थोड़ा आगे देखें। लोटा वोल्कोवा 2014 से बैलेंशियागा फैशन ब्रांड की स्टाइलिस्ट है, यानी बैलेंशियागा ब्रांड के जो भी डिजाइन तैयार होते हैं वो इसी की इंस्ट्रक्शन पर होते हैं। इसने अपनी प्रोफाइल पर कुछ तस्वीरें अपलोड की हुई है, उन तस्वीरों को ये बात दिमाग में रख कर देखे कि बाल कौन है, उसको किस चीज की कुर्बानी दी जाती है, बैलेंशियागा का मतलब क्या बनता है और फिर ये औरत बैलेंशियागा की स्टाइलिस्ट है। सबसे पहले ये तस्वीर देखें, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। आपको क्या लगता है कि लोटा वोल्कोवा इन तस्वीरों को शो करके क्या मैसेज देना चाह रही है? ये फैसला मैंने नहीं, आपने करना है कि बैलेंशियागा फैशन ब्रांड किस चीज को प्रमोट कर रहा है और दुनिया को मैसेज क्या दे रहा है। जब आप बहुत डिटेल में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैलेंशियागा ना सिर्फ अपने खुदा बाल को होमेज पे कर रहा है बल्कि दुनिया की इस बात पर भी जहन साजी कर रहा है कि बच्चों को बड़े लोग अपने नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि बैलेंशियागा की रिसेंटली एक एड कैंपेन में कुछ ऐसा प्रमोट किया गया जिसने दुनिया में तबाही मचा कर रख दी। जैसा कि इस तस्वीर को देखें, इस बच्ची ने जो ये कार्टून उठाया हुआ है और इस कार्टून ने जो बैलेंशियागा की टॉप स्टाइलिस्ट के स्टाइल की हुई चीजें पहनी हुई है, क्या आपको नहीं पता कि ये किसके लिए और कब यूज होती है? इसके बाद इस तस्वीर को देखें, इस कार्टून ने जो चीजें पहनी हुई है, क्या आपको नहीं पता कि ये कब और किस लिए यूज होती है? मजीद कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जो मैं यहाँ पर शो नहीं कर सकता। इस एड कैंपेन के बाद बैलेंशियागा को सारी दुनिया से नेगेटिव रिस्पांस मिला। दुनिया की बहुत सी सेलिब्रिटीज ने बैलेंशियागा को बैन और बायकॉट करने का कहा, जिस पर बैलेंशियागा ने माफी मांगी कि ये गलती से हुआ है। लेकिन क्या ही गलतियां जो बार बार हो रही है। इस एड कैंपेन से पहले ये उस एड कैंपेन की तस्वीर है जिसमें एक मॉडल बैलेंशियागा के लिए पोज कर रही है। अगर आप इस तस्वीर को गौर करें तो इसमें माइकल बोरमैन की बुक दिखाई गई है जिसमें बच्चों के रिलेटेड ऐसी तस्वीर है जो दिखाई नहीं जा सकती। बस इन तस्वीर को देख कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मजीद अंदर क्या होगा। ये भी बैलेंशियागा की एड कैंपेन का हिस्सा थी, क्या ये भी इत्तफाक था? बैलेंशियागा का हैंड बैग जिन कागजात पर पड़ा हुआ है, ये कागजात बच्चों के साथ नफसानी अमल करने वाले लोगों के बारे 2008 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, क्या ये भी इत्तफाक है? नहीं, ये इत्तफाक नहीं है, ये सोची समझी प्लान कैंपेन्स हैं। और इस तरह की कैंपेन्स का हिस्सा और भी फैशन कंपनीज है, जैसा की एडिडास। अगर आप एडिडास को भी लैटिन टू इंग्लिश कन्वर्ट करें तो इसका मतलब बनता है यू गिव टू गॉड, यानी खुदा को दे दो। सवाल ये है कि यहाँ पर कौन से खुदा की बात हो रही है? तो जनाब, एडिडास एंड बैलेंशियागा दोनों कोलैब में काम कर रहे हैं जिनकी स्टाइलिस्ट लोटा वोल्कोवा है। अगर आपने देखना है तो बैलेंशियागा की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि एडिडास एंड बैलेंशियागा दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। सो क्या आपको स्टोरी समझ आ रही है? बैलेंशियागा का मतलब है बाल इज द किंग, जो बच्चों की कुर्बानी मांगता है, और एडिडास का मतलब है यू गिव टू गॉड। बाकी आप खुद समझदार है, समझ सकते हैं। मजीद एक और कंपनी है यूक्रेन की, वो भी बच्चों से नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने को प्रमोट कर रही है, जिसका नाम है गोरसाड कीव। मैं लिटरली इनकी पिक्चर्स आपको नहीं दिखा सकता कि ये किस लेवल पर काम कर रहे हैं। बहरहाल आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या प्रमोट कर रहे हैं। मेरे भाई, औरत मार्च वाला काम अब पुराना हो चुका, क्योंकि औरत मार्च का जो पौधा आज से काफी साल पहले लगाया गया था वो अब दरख्त बन चुका है, और दरख्त को अब छेड़ने की जरूरत नहीं। अब मॉडर्न सिविलाइजेशन नए पौधे लगा रही है, जिसमें बच्चों वाला मामला जो मैं आपको समझा चुका हूँ ये फ्यूचर में आपको नजर आने वाला है। इसको कहते हैं स्लो पॉइजनिंग। अभी ये काम वेस्ट में शुरू हुआ है, वहाँ पर इसको प्रमाण चढ़ाया जा रहा है जो की बाद में हमारी तरफ आएगा। इस दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे लोग जिनके पास बेइंतहा की पावर है, बेइंतहा का पैसा है, वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। हमारी सोच, हमारा रहन सहन, हमारे फैसले, हमारी जिंदगी, सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो ये निजाम चाहता है वो तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक हमारा सब कुछ कंट्रोल न कर ले, और इसी निजाम को कहते हैं मैट्रिक्स। ऐसा कहना है एंड्रयू टेट का। एंड्रयू टेट, ये बंदा पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। इस बंदे के मुताबिक हम सब मैट्रिक्स में रह रहे हैं जहाँ हमारा सब कुछ हैंडल किया जा रहा है, जैसा कि मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। अब ये बंदा हमारे डिस्कशन का पार्ट क्यों बन रहा है, इस बात को समझे। एंड्रयू टेट एक बिजनेसमैन है और माजी में एक बहुत बड़ा किक बॉक्सर रहा है, और काफी दफा किक बॉक्सिंग की दुनिया का चैंपियन भी बन चुका है। इस बंदे के पास सब कुछ है, पैसा, गाड़ियां, घर, लग्जरी लाइफ और सब कुछ। बहुत ही लश लाइफ गुजारने के बाद जब एंड्रयू टेट ने इस्लाम कबूल किया और दुनिया को वो सब कुछ बताया जो कि वो इस्लाम कबूल करने से पहले देख चुका था, जिसकी वजह से सारी दुनिया में हलचल मच गई। एंड्रयू ने बताया कि हम सब एक ऐसे मैट्रिक्स में रह रहे हैं जिसको मीडिया मशीन और गवर्नमेंट के पीछे वो लोग
जिनके पास अथॉरिटी है और जो कि खुद को इस दुनिया का इंचार्ज समझते हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। उनके एजेंडे हैं जिनको वो बाकी सब पर अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके लिए वो दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों को यूज करते हैं, जैसा कि अमीर तरीन लोग हो गए, एक्ट्रेसेस एक्टर्स हो गए, यानी कि ऐसे लोग जो कि अवाम को किसी लिहाज से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल करके हम सबको एंड हमारी थिंकिंग एंड वे ऑफ लिविंग को कंट्रोल किया जा रहा है। उनके पास बे इंतहा की पावर है, पैसा उनके मुताबिक रोटेट होता है, सो वो स्पेसिफिक एजेंडाज पर काम करते हैं, जैसा कि औरत मार्च वाला काम हो गया, LGBT वाला हो गया, इसके बाद ये बच्चों वाला मामला हो गया जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ये सब वही लोग हैं जो हैंडल कर रहे हैं, ताकि इस दुनिया से मोरालिटी को खत्म करके वो पोजीशंस बरकरार रखी जा सके जो उनको वादा की गई हैं। एंड्रयू के मुताबिक वो लोग शैतान के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, शैतान उनको बताता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना और कैसे करना है, और वो लोग प्योर एथियस्ट हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि हर चीज उनके पास है, उनके खानदान सदियों से मैट्रिक्स को चला रहे हैं जिनको सामने आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया के खास लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, सो हमको इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड्रयू का कहना है कि लोगों को इस गुलामी से निकलना पड़ेगा वरना हम सब का एंड करीब है, मैंने उस दुनिया को देखा है जो इतनी खतरनाक है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब अगर क्रिटिकली एंड्रयू की बातों को एनालाइज किया जाए तो यस, मॉडर्न सिविलाइजेशन में यही सब कुछ तो हो रहा है। आप हमारे गाने देख लें, हमारे ड्रामे देख लें, मूवीज देख लें, मॉर्निंग शोज देख लें, यूनिवर्सिटीज का कल्चर देख लें, शादी के फंक्शंस देख लें, हमारी यूथ की प्रायोरिटीज देख लें, इनको एक खास तरीके से ढाला जा रहा है, ये कोई इत्तफाक नहीं है या खुद से नहीं हो रहा बल्कि बड़े मुनज्जम तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है और पीछे से लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, वो लोग इल्यूमिनाटी कहलाते हैं, फ्री मेसन्स कहलाते हैं, मैट्रिक्स चलाने वाले कहलाते हैं, इनके बहुत से नाम है लेकिन ये मैटर नहीं करता कि इनके नाम क्या है, मैटर ये करता है कि इनके एजेंडे क्या है। एंड्रयू टेट कहता है कि इस निजाम को बस इस्लाम ही है जो टक्कर दे सकता है, बाकी सब मजाहिब इस निजाम के आलाकार बन चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैट्रिक्स और इसको हैंडल करने वाले कोई ऐसी चीज नहीं है बल्कि ये एंड्रयू का वहम है और एंड्रयू अपने जाती मफादात को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मैट्रिक्स वाली कहानी चला रहा है। एंड्रयू का असल मकसद कुछ और है, एंड्रयू को ज्यादा पैसा चाहिए, जिसके लिए माजी में उसने अपनी गर्लफ्रेंड्स को लाइव चैट में यूज करके लाखों डॉलर्स कमाए। जब ये काम लड़कियों की वजह से हैंडल ना कर सका तो फिर उसने रियलिटी शोज ज्वाइन किए, जब वहां भी ज्यादा पैसा ना बना सका तो वो अपनी बोल्ड बातों और स्ट्रांग बयानिए की वजह से सोशल मीडिया को ज्वाइन किया और आते ही छा गया। इसी के साथ उसने क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट लिया जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, जिससे उसने अपनी लश लाइफ लोगों को दिखाना शुरू कर दी। लीगल मामलात से बचने के लिए रोमानिया जैसे मुल्क में चला गया जहां पर कानून की बालादस्ती ज्यादा नहीं थी, वहां अपनी बिजनेस अंपायर खड़ी की। फिर इसने डिजिटल वर्ल्ड में नाम बनाया जिसकी वजह से ये मोस्ट सर्च्ड पर्सन ऑन गूगल बन गया। इससे फायदा उठाते हुए इसने ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बनाकर लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि मेरे जैसा कामयाब इंसान कैसे बनना है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, जिसके बदले एंड्रयू पैसे भी चार्ज करता, जिससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड्रयू ने कमाए। जैसे जैसे कामयाब होता गया बोल्ड लाइफ गुजारता गया, हत्ता कि एक वक्त ऐसा आया कि अपनी अब्यूसिव लैंग्वेज और बोल्ड कंटेंट की वजह से तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एंड्रयू टेट को बैन कर दिया गया। जब ये काम हुआ तो एंड्रयू ने इन्फ्लुएंसर्स जो कि सोशल मीडिया पर थे उनसे राब्ता किया ताकि बाकी सबके जरिए खुद को सोशल मीडिया पर एक्टिव रख सके, जिसमें वो कामयाब रहा। और जब एंड्रयू को कन्फर्म हो गया कि लोग उसकी बातों को सीरियस लेते हैं तो फिर उसने शोशा छोड़ दिया कि हम सब मैट्रिक्स में रहते हैं, ताकि लोग इसके फॉलोअर्स बने और कल को अपनी मर्जी के साथ अपनी ऑडियंस और अपने फॉलोअर्स के साथ नई सिविलाइजेशन खड़ी कर सके जिसमें बस एंड्रयू का राज हो और हर काम एंड्रयू के मुताबिक हो। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि एंड्रयू टेट का ये सारा प्लान है, जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एंड्रयू तो वो सब कुछ बता रहा है जो उसने देखा है और जो रियलिटी में इस दुनिया में हो रहा है। और ये बात तो एंड्रयू काफी दफा अपनी पॉडकास्ट में भी बता चुका है कि उसने उन लोगों को देखा है जो शैतान से मिलते हैं, उससे इंस्ट्रक्शन लेते हैं, फिर शैतान के मुताबिक शैतान के प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। एंड्रयू के मुताबिक वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को हिडन लोग चला रहे हैं जिनके डायरेक्ट ताल्लुकात शैतान से हैं। अगर एंड्रयू का कुछ ऐसा प्लान होता तो वो ये काम सीक्रेटली करता, ना कि मॉडर्न सिविलाइजेशन के साथ जंग पर उतर आता। सो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि एंड्रयू बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस दुनिया पर शैतान अपने करिंदों के जरिए हर काम करवा रहा है, जिसकी वाज़े मिसाल हमारा मुआशरा है। शैतान चाहता है कि सूद का निजाम हो, आज सारी दुनिया सूद के निजाम पर चल रही है। शैतान चाहता है कि मर्द और औरत के कपड़े उतार दिए जाएं, तो मुझे ये बताएं कि ये क्या है, इस्लाम इसकी इजाजत देता है? नहीं, ये निजाम शैतान का है। शैतान चाहता है कि अल्लाह के निजाम को तब्दील किया जाए, इसीलिए आज सारी दुनिया में LGBT के लिए शैतानी ताकतें मुतहरिक हो चुकी हैं, जिसमें मर्द मर्द से शादी कर सके और औरत औरत से, बच्चों से नफसानी ख्वाहिशात पूरी की जा सके। खुदाई के निजाम को खत्म करके शैतानी निजाम कायम किया जाए, मुझे आप बताएं क्या ऐसा नहीं हो रहा? ऑब्वियसली ऐसा ही हो रहा है। और इसी निजाम को देखते हुए एंड्रयू ने इस्लाम कबूल किया, क्योंकि ये बस इस्लाम ही है जो सब कुछ ठीक कर सकता है। हमेशा स्लोली एंड स्टेडली किसी काम को पाया तकमील तक पहुंचाया जाता है और शैतान इस स्ट्रेटेजी से अच्छी तरह वाकिफ है। इस स्ट्रेटेजी
जी के मुताबिक सबसे पहले किसी भी गलत काम को बस दिखाया जाता है, जब दिखा दिखा कर ये बात कंफर्म हो जाती है कि लोग इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं, फिर इसको मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है, जैसा कि बैलेंसियागा कर रहा है। अभी बैलेंसियागा और इस जैसे ब्रांड्स बस ये दिखा रहे हैं कि बच्चों के साथ ये किया जा सकता है, और ये वो ओपनली दिखा रहे हैं जिसका वाज़ह सबूत मैं आपको दिखा चुका हूं। ये दिखाने के बावजूद लोग इनसे खरीद रहे हैं, वो बॉदर ही नहीं कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आपको आने वाले वक्त में नजर आ जाएगा। आपको बताने का मकसद ये है कि आपको मालूम हो कि दुनिया में क्या चल रहा है और शैतान किस तरह मुनज्जम तरीके से हर चीज को बदल रहा है। अपनी आंखें खोलकर रखा करें और हालात हाजिर से आगाह रहा करें। खैर, मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि आपकी एंड्रयू टेट के बारे में क्या राय है, क्या एंड्रयू टेट ठीक कह रहा है या गलत, आपको क्या लगता है। और ये भी बताएं कि इस सारे सिनेरियो को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, आपकी राय बहुत वैल्यू रखती है। तो बस मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही था, आपसे गुजारिश है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।